लोग को अगर संकरा नेत्रालय आना है तो कैसे क्या करना है, कहाँ रुकना है, क्योंकि यहाँ पास आएंगे तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, भाषा का दिक्कत होता है। तो आप लोग को मैं वीडियो में सारा चीज़ बता दूँगा, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कर दूँगा। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, ये ना रहा हूँ, मतलब अगर आप संकरा नेत्रालय आएंगे तो आप लोग को सबसे सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जो होता है भवन, ये मेरे पीछे जो भवन है ये भवन रहेगा। ये भवन का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भवन और ये होटल बिहार भवन के नाम से। आप कभी भी अगर संकरा नेत्रालय चेन्नई आते हैं तो ये होटल में रुकेंगे तो एक दिन का 60 रुपये, सॉरी एक दिन का 30 रुपये एक आदमी का है, और खाना भी बढ़िया घर जैसा मिलेगा। वो खाने का एक प्लेट का रेट है 30 रुपये, और खाना हम लोग को दिन में 2 बार मिलता है, जैसे कि सुबह चावल दाल और 2 प्रकार का सब्जी, और रात के समय चावल दाल या रोटी और सब्जी, ऐसा है। आप कुछ रोटी सब्जी भी ले सकते हैं, चावल दाल भी ले सकते हैं, और बहुत बढ़िया होटल है। चलो मैं आपको होटल के बारे में दिखाता हूँ। ये खाना जो देख रहे हैं ये 30 रुपये प्लेट है, चावल दाल और 2 प्रकार की सब्जी, और एक टाइम चावल दाल, एक टाइम मतलब आपको रोटी सब्जी और 2 प्रकार की सब्जी ये दाल मिलेगी दोनों टाइम पर, सुबह आपको 11 बजे, रात को 1:30 बजे। ये होटल है, मतलब भवन है, बिहार भवन, और यहाँ पर अभी सफाई हो रहा है, झाड़ू पोछा काम चल रहा है। जितने बड़े एरिया में हैं, मतलब लोग दिख रहे हैं, सब एक जगह इकट्ठा रहते हैं, सब अपने परिवार के रहते हैं। यही रोड आपको बिहार होटल ले जाएगा, और ये है मेन रोड, ये मेन चौक है, और ये आएगा बिहार होटल, और ये हो गया मेन रोड। संकरा नेत्रालय इसी ओर आगे है। आपको गूगल मैप का इसको दिखाया कि वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं हॉस्पिटल तक। ये जो अभी गेट के ऊपर जो लिखा हुआ दिखाया था मैं, इसी के आगे जाके ये वाले से ये जो रोड दिखा रहा है इसके जो वीडियो में देख रहे हैं ये मेन ब्रांच का बिल्डिंग है, मतलब वो संकरा नेत्रालय मेन, और इसके अलावा भी इनके आसपास इनके और भी ब्रांच है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ब्रांच है। तो क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि ये मेन ब्रांच है, और मन में शंका होता है कि और भी जो है वहाँ, वो सब वो इनके ब्रांच में इन्हीं के अंदर है सारे। आपको यहाँ भी दिखाएंगे, यहाँ के डॉक्टर को लगेगी वहाँ के डॉक्टर के पास दिखाना तो आपको वाले ब्रांच में भेज देंगे, ऐसा भी होता है। जैसे संकरा नेत्रालय मेन गेट के पास आएंगे तो आपको एक टोकन कटेगा, आपके नाम का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको दूसरे डॉक्टर के पास भेजेंगे, और यही पूरा मेन जो हॉस्पिटल भेजेंगे, और यही पूरा मेन जो हॉस्पिटल है शंकराचार्य संकरा नेत्रालय मेन करके है, इसके आगे आपको कहीं और भेजते हैं। संकरा नेत्रालय का ये सेकंड ब्रांच है, ये आपको गूगल मैप का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसके नाम देख लीजिएगा, इसको JKCN के नाम से जानते हैं। तो ये एक ये भी ब्रांच है संकरा नेत्रालय का सेकंड ब्रांच, तो घबराइएगा नहीं, संकरा नेत्रालय का जो मेन ब्रांच है तो उसके अलावा भी इनका और भी ब्रांच है जो जस्ट उसके पीछे 800 मीटर पीछे ही है ये हॉस्पिटल। तो आप अपने आंखों की बीमारियों के लिए यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ पर आंखों की सारी बीमारियों का इलाज होता है। और न्यू डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट। हॉस्पिटल का तो सारा काम हो गया है, अभी अभी रोड के साइड में ही खाना मिल रहा है बढ़िया, चावल है। ये भैया है GD से, हैं अनिल भैया, यही मुलाकात हुआ इनसे, बढ़िया व्यवहार है हमारे पापा जी। चलो खा लेते हैं जो भी मिला है,
क्योंकि बाहर में ज़्यादा अच्छा की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया खाना है। चलो खाने के बाद मिलते हैं। बहुत अच्छा। क्या खाएं? चिकन। चिकन चावल। खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कम रेट में खाना अच्छा मिल जा रहा है। आप चिकन खाइए या नॉन वेज खाइए, नहीं खाइए, लेकिन भैया अनिल भैया चिकन खाए हैं और पापा जी भी चिकन खाए। मैं वेज खाया हूँ खाली, और तीनों का मिला के 184 हुआ है। काफ़ी कम रेट में अच्छा खाना मिल गया है। खाना हो गया हमारा, निकलते हैं, थोड़ा सा इधर घूम लेंगे चेन्नई तरफ। बढ़िया खाना लगा, अच्छा लगा। खाना चलो आज येल्लो वाला पानी, क्या डाब पानी पी लेते हैं। लगभग वही है, टेस्ट वही है, और बाहर का कलर अलग है और रंग खाली पीला है, नारियल वही। कितने का है? 50 रुपीज। अब इतना महंगा, लेकिन 30 या 40 लिखा है। बात की है, बड़ा छोटा का रेट होगा अलग अलग। पानी बहुत था लेकिन मजा आया। ठीक है, दोबारा पिए का? नहीं, मलाई 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 है, मलाई भी होता है। अच्छा, ज़्यादा पानी यहाँ का भाषा इस तरह का है, अगर इंग्लिश नहीं आए तो यहाँ थोड़ा दिक्कत होती है। हालांकि हिंदी भी लोग जानते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जो काम करते हैं। ये मलाई है। हाय दोस्तों, हम लोग संक्रांत नेत्रालय से निकल गए हैं, बाहर आके खाना भी खा लिए हैं। और मतलब ये है कि संक्रांत नेत्रालय में लगभग हमारे भारत देश के कोने कोने से लोग आते हैं। ज़्यादातर मैं अभी देखा हूँ यूपी बिहार झारखंड से लोग आ रहे हैं। तो और एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब इतना बढ़िया लगता है जब हम लोग आपस में मिलते हैं। अभी जैसे हमारे साथ अनिल भी आए हैं, तो ये भी झारखंड से गिरडीह से आए हैं। चलो दोस्तों, रूम मतलब ये भवन खाली कर दिए, पैक हो गए हैं, पैकिंग हो गए, निकल रहे हैं यहाँ से। और एक हमारे छत्तीसगढ़ से, एक रायगढ़ से भाई आए हैं, बैठे हुए हैं, ये भी रायगढ़ से ही आए हुए हैं। यहाँ से जाने का मन नहीं है, यहाँ जाने का मन नहीं है ना। नहीं, जाने का मन नहीं लगा, यहाँ बिंदास लग रहा है। यहाँ पर एक चीज अच्छा है कि ऐसे माहौल में रहने से मन लगता है, ऐसे रूम लेके रहते तो बिल्कुल मन नहीं लगता। यहाँ पर अपनापन लगा एकदम परिवार की तरह। अब लग रहा है कि कैसे यहाँ से जाए। चलिए अब निकल रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं चेन्नई MGR सेंट्रल। अब यहाँ से अपन चेकआउट कर लेते हैं। अंकल निकल रहे थे हम लोग। हो गया, चल 300 बराबर हो गए। चलो भवन को भी बाय बाय करते हैं। यही भवन है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से।
यहाँ पर आएंगे तो आधार कार्ड लगभग आपका जमा ले लेंगे और साथ मतलब रख लेंगे और साथ में 300 रुपये एडवांस रखते हैं। हम दो लोग थे, मैं मेरे पापा जी, तो 30-30-60 रुपये के हिसाब से वो 300 रुपये जमा कर लिए थे। और अब हम लोग निकल रहे स्टेशन की ओर, नेत्रालय आना है तो कैसे क्या करना है, कहाँ रुकना है, क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, भाषा का दिक्कत होता है, तो वो चीज़ के कारण जिनको नई नॉलेज है वो आने से ही पहले सोच लेते हैं कि बहुत सारी परेशानी होगी और वो संक्रमण नेत्रालय में ही आते चेन्नई में, जैसे कि मैं भी यही सोच रहा था। प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ आएंगे तो कोई समस्या नहीं होगा, ना आने का, ना जाने का, ना खाने का, ना हॉस्पिटल में दिखाने का। हाउ मच? 100। बहुत ज़्यादा यार, वही चीज़ है यहाँ पर, आपको ना हर चीज़ का ऑटो वाले बहुत ज़्यादा रेट करेंगे। फाइनली ऑटो हम लोग को मिल गया है 150 में, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, हम लोग चेन्नई रेलवे स्टेशन लगभग पहुँच ही गए हैं। हमारा जो वीडियो था अब ये समाप्त होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को चेन्नई नेत्रालय में आने के बाद कहाँ रुकना, कहाँ क्या खाना पीना है, इसके बारे में आप लोग को सही जानकारी मिल गई होगी मेरी वीडियो के माध्यम से। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें जो नए हैं। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।